अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप लोगों को अपने इस चैनल के बदल की गहराइयों के साथ खुश आमदीद, जो कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी वीडियो को देखना चाहा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के ऊपर हम बात करने वाले हैं जी इकरार और हसन की बवासीर के बारे में। कुछ दिनों पहले मैं एक फेसबुक के ऊपर वीडियो देख रहा था, तो एक आदमी ने कहा जी इकरार को बवासीर है, ठीक है। तो उसके जितने भी फैन फॉलोइंग, मतलब जो उसके जितने भी फॉलोअर थे, उनके कमेंट देखे तो वो फॉलोअर कह रहे थे कि यह तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम उनके ऊपर तनकीद कर रहे हो, फलां फलां पता नहीं क्या क्या लोगों ने बातें की हैं। तो उस बंदे ने कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों को कन्फर्म करके दिखाऊंगा और आपको बकायदा एक वीडियो के जरिए वो दिखाऊंगा। तो आखिर उस बंदे ने वो वीडियो अपलोड कर ही दी। आप लोगों को मैं वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो में पता चल जाएगा क्या वाकई इकरार को बवासीर है कि नहीं। तो वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, और वो गुजारिश है कि जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जल्दी से लाइक कर दें, और जो लोग ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल वकास मलिक एक्स्ट्रा को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना वो बिल्कुल ना भूलें। तो करते हैं वीडियो को, एक मिनट की है वो, आप लोग जल्दी से देखें, फिर उसके बाद आगे गुफ्तगू करते हैं। नाम निहाद सैयद इकरार उल हसन उर्फ बवासीर ए जनाब, सारे तो पहले उसकी वीडियो मुलाजा फरमाओ। अच्छा ए वीडियो तुसा वेखी, तुहानू असीं एक्सपोज करके दिता कि इहनू बवासीर भी है, क्योंकि बवासीर वाले गल ते काफी दोस्तों रौला पाया होया कि भाई उन्हू बवासीर कोई नहीं, उसनू बवासीर कोई नहीं। असीं तुहानू सामने एक्सपोज करके दिता कि इस बंदे नू बवासीर भी है, इन्ने आर असीं इहनू तुहाडे सामने ये भी एक्सपोज कर सां कि ये सैयद भी कोई नहीं, ठीक है। इंशाल्लाह कमिंग सून है, इंशाल्लाह तुसा वेखसो साड़ी आवन वाली वीडियो, उस दे जनाब असा एक एक चीज दी एक्सपोज करके तुहानू दसांगे। अच्छा दूआ ये आदा जी, मेरे दादे दा दरबार भी है उत्थे, जनाब दुनिया आ रही, फैज भी हो रहा। इंशाल्लाह अगली जितनी वीडियो है असा इहदे दादे दे दरबार दे विच सां उत्थे बन सईआं, असा जनाब तुहानू वेखसईआं भाई दादे दा दरबार है किवें आ, दरबार है किवें फैज हो रहा, वो सारा असा इसनू एक्सपोज कर सां, असी तुहानू सारा कुछ वेखसईआं और सारा कुछ सामने लैके असा तुहानू पता लग पिया सी कि ये सैयद है या ये कौन है, क्योंकि ये अजे नाम निहाद सईद जिहड़े बने वे इन्हां दा क्रैकडाउन भी बड़ा जरूरी है। हुण सवाल असी कर सां, जवाब ये दे सी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, तो जब ये मैंने वीडियो देखी मेरी तो हंसी रुकी नहीं है, यकीन करें। हालांकि कोई तंजिया बात नहीं है, कोई हिट नहीं कर रहा मैं किसी को, लेकिन यार उस बंदे की जो है मैंने वीडियो देखी, मेरी इतनी हंसी निकली ना कि मैं अब बता नहीं सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ मैं आप लोगों के सामने भी वो पेश कर दूँ और आप लोग भी देख लें। अब पॉइंट की बात ये मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे अब ये लोग देख रहे होंगे ना, तो जाहिर बात है जो भी इकरार के चाहने वाले होंगे वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके सीधा पता किसको हिट करेंगे, पीर खतीब को हिट करेंगे। क्यों? और वो उनको एक बहाना मिला हुआ है ऑलरेडी, ठीक। और अब जो है वो अगर ये वीडियो देखेंगे और उसके कमेंट बॉक्स में नीचे पता क्या कहेंगे, जी इसका मतलब है कि तुम पीर खतीब के मानने वाले हो, मतलब बहुत ही वो वाल, फिर वो मैंने तो ये कहा ना कि मानने वाले हो, लेकिन वो बहुत ही गलीजा और बहुत ही गलत जो है वो वर्ड बोलते हैं जो कि नहीं बोलने चाहिए, तो वो बोलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे यार ये देखो कि अगर वो बंदा इतनी गलत और नाजेबा गुफ्तगू कर सकता है, तो एक अजनबी लोग जो है वो इतनी बात भी नहीं कर सकते, कोई हाल नहीं है। तो यार मैंने ये जब मैंने वीडियो देखी तो सोचा एक बार आप लोगों को भी ज़रूर दिखा दूं, अपनी जो मेरी ऑडियंस है उनको भी। तो आप लोगों ने देख लिया कि तो अगर हंसी आई है तो कोई बात नहीं, हंस लो, और साथ ये भी बताओ कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें। अगर मुझे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल वकास मलिक एक्स्ट्रा को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना वो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।